शिवालिक हिमालयाज में ये शुरुआत हुई है इस प्रोजेक्ट की। टोटल मिला के ये 125 किलोमीटर है, जिसमें से 105 किलोमीटर इसका अलाइनमेंट टनल के अंदर से ही जा रहा है। तो करीब 85% ये टनल के अंदर है, केवल स्टेशनों पर और ब्रिजेस पर ये बाहर निकल रहा है। तो और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जियोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो फ्रेजाइल है और वो अनप्रिडिक्टेबल है। एक एक किलोमीटर में, 10-10 मीटर में, 15-15 मीटर में जियोलॉजी ही बदल जाती है। तो इसलिए उसको सपोर्ट सिस्टम हमें लगातार बदलना पड़ता है। तो सपोर्ट सिस्टम अगर एक जैसा हो तो हम एक बार में उसको डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर वो लगातार जियोलॉजी बदल रही है तो उसके लिए सबसे दिक्कत की बात है कि प्रोग्रेस उसमें कम हो जाती है। बेसिकली जो जहाँ पर हमारे मिट्टी ज़्यादा है वहाँ पर हम लोग पाइप रूफिंग के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं। पाइप रूफिंग में हम लोग क्या करते हैं कि पहले जहाँ पर एक्सकेवेशन से पहले, खोदने से पहले, हम लोग लंबे लंबे करीब करीब 12-12 मीटर लंबे पाइप, जो जिनकी 114 mm की जो उसकी वो होती है, दीवार होती है, उनको डालते हैं 12 मीटर लंबे। उसका पूरा अम्ब्रेला एक छाता सा बना लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसमें खुदाई शुरू करते हैं। उसके बाद जब हम 8 मीटर तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद उसको पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर 4 मीटर का जो एक ओवरलैप लेके फिर हम 12 मीटर डालते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो इससे प्रोग्रेस बहुत कम हो जाती है और टनल को गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता, ख़त्म ही हो जाता है एकदम से। टनल है हमारी, जो सबसे फर्स्ट टनल इस ऋषिकेश कर्णप्रयाग की यहीं से स्टार्ट होती है, जहां से अभी हम एंटर किए हैं। ये जो स्ट्रेच है हमारा, जो पैकेज वन है, दैट इज़ 10.85 किलोमीटर। मेन टनल भी है, एस्केप टनल भी है, और हम इसको 4 साइड से इसको एक्सवेट कर रहे हैं। एक एक्सेस हमारा इधर है जहां पे हम अभी हैं, एक यहां से 10 किलोमीटर पे है एडिट वन, अनदर 10 किलोमीटर पे हमारा जहाँ पे एग्जिट है टनल का। सो हम जो टनलिंग जो एक्सकवेट कर रहे हैं वो 4 प्लेसेस से कर रहे हैं, और जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है वो हमारा ये वाला पार्ट है, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को क्रिटिकल बनाता है। जो हम लोगों ने यहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ की है, लाइक लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, यहाँ पे जेट ग्राउटिंग जो है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है। उसके बाद हमने इसको पाइप रूफ मेथड से रिप्लेस किया है, बट जो इसकी जो प्रोग्रेस है, जो हमने सॉइल में एक्सपेक्ट की थी लाइक 24 मीटर, नाउ हम जो अचीव कर रहे हैं दैट इज़ अप अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स, एंड इन द पीक वी कैन से 108 मीटर वी हैव ऑल्सो अचीव्ड इन सॉइल, विच इज़ आई थिंक जो कि पूरा वर्ल्ड में आप मानिए रिकॉर्ड ही होगा, मोस्टली किसने अचीव नहीं करी होगी।